दिशा निकालो 45,000 रुपए। वो हमारे पास इतने सारे पैसे तो नहीं है। तुम सबकी जमानत करवाई है मैंने। चलो उधार रहा। वैसे तुम लोगों के लड़ाई झगड़े की खबर ना पूरे मार्केट में आग की तरह फैल गई है। कीर्ति बेटा इतने बॉयफ्रेंड्स के लफड़े क्यों पालती हो? मैं क्या करूं चाचू, ये बॉयज होते ही बहुत स्टूपिड है। मैंने उसको कहा इट्स ओवर और उसने सुना कम हो आ गया। वैसे तेरे बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट है या केपीएल? कीर्ति प्रीमियर लीग एक बार में जाता गुजरा था। पापा यार ऐसा मत, वैसे भी डांट पड़ने वाले। हाँ तो पूजा तो हो गई ना, अब क्या तुम लोग प्रसाद खाने के लिए खड़े हो? तो क्या करें, भागो। लेकिन चाचू दादाजी ने तो अभी तक तो डांट भी नहीं लगाई। डांट खाने का शौक है तो खड़े रहो वरना भागो भागो। रमेश जी। बाबूजी ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, वो मैं डॉली की मेहंदी की लाइटों का अरेंजमेंट डिसाइड कर रहा था। यहाँ बच्चे कहाँ गए? बच्चे आपके या मेरे? विवेक मोहन नीचे आओ। क्या हुआ बाबूजी? जी देखो भाई, अपने बच्चों की जिम्मेदारी मैं खुद ले सकता हूँ, लेकिन तुम सब लोगों को अपने अपने बच्चों की गारंटी खुद लेनी होगी। पर हुआ क्या बाबूजी? अरे होना खास था, मारपीट करते 20 लड़कों को पकड़े गए सब के सब। क्या? उनकी खबर लेनी पड़ेगी, मैं अभी बात करता हूँ। उमेश उमेश हे विरन, इस तरह से चिल्ला चिल्ला के घर की बदनामी दुनिया के सामने मत करो। अपने अपने कमरों में जाओ और अपने अपने बच्चों को समझाओ कि इस तरह की हरकतें न करें जिससे गंगाल परिवार का नाम बदनाम हो। इस बार तो मैंने पुलिस को भिजवाया था तो इज्जत बच गई। मतलब अगली बार शायद ऐसा ना हो। ओ ऐसे, ये इंस्पेक्टर के पीछे दादाजी का ही हाथ था। हमारी पूरी फैमिली मास्टरमाइंड है। मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ। दादी हमारी थोड़ी ना है यार। अरे वो रुक जा, पापा को पहले इतनी डांट पिट रही है वहाँ पे, तू जाएगी तो और बहन बचवा देगी। बाबूजी बच्चे ही हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। मेरे बच्चों से ऐसी गलती कभी हुई नहीं। हाँ तुमसे हुई हो तो मैं कह नहीं सकता। नहीं नहीं बाबूजी ठीक कह रहे हैं, हमें बच्चों पे नजर रखनी होगी। अरे क्या खाक नजर रखेंगे, हम दोनों दिन भर दुकान पे रहते हैं और ये रमेश इसी ना दुकान पे काम होता। और देख छोटे, तेरे सुकेतु और निशा ही सब बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ तुझे। अरे आप रहने दीजिए ना, ये सब शादी का घर है और आप लोग ये सब लेके बैठे। भाभी जी कोई टेंशन नहीं है, बड़े भैया मझले भैया बाबूजी सब बड़ी भाभियों को मुझे डांटने का पूरा हक है। बल्कि जिस दिन आप लोग नहीं डांटते हो मुझे लगता है आज कुछ मिसिंग है। हाँ तो तू ही बता दे क्या गलत कहा है मैंने, कोई काम होता है तुझसे? बोला था हलवाई को बोल देना घर में मेहंदी है, बोला तूने? भैया कसम खा के कहता हूँ, कसम खा के, जिस वक्त आपने बोला था ना मुझे उसी वक्त मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उस कमबख्त ने फोन ही नहीं उठाया। लो देख लो। लेकिन भैया उसकी दुकान तो पता है ना तुझे? भैया दुकान पता है ना? भैया बंद करो ये बकवास, घर को कचहरी मार रखा सबने। सुनो मैंने तुम सबको ये कहने के लिए बुलाया था कि अपने बच्चों पर लगाम कैसे रखो, वरना बेलगाम घोड़े ये नहीं समझते कि कौन उनके कदमों के नीचे आ रहा है। उमेश डॉली कहाँ हो तुम लोग? ज्वाला और कीर्ति कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगे। मैडम जी खाना बन गया? पता नहीं। माँ कैसा रहा आज का महाभारत का एपिसोड? इसे काम क्यों करता है तू? माँ आप भी अजीब हो,
भाई कहता है मैं कोई काम नहीं करता हूँ, आप कहती है मैं ऐसे काम क्यों करता हूँ। भाई आप लोग ना मिलकर डिसाइड कर लो मुझे कोई काम करना है या नहीं करना है। टेंशन मत लीजिए, मैंने सबको फोन कर दिया है, इतना भी निकम्मा नहीं हूँ मैं। तू बावले, तू बताता क्यों नहीं बाबूजी के सामने? माँ आप तो जानती हो हमारे घर में सबको बातों की बवासीर है, बात करने का चांस ही कम मिलता है। सुन रहे हो क्या? हाँ जी सुन रहा हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ सुनते ही आया हूँ। चलो जी बुलावा आया है, माता की बहू ने बुलाया है। उमेश, उमेश, दो दिन से दुकान पे नहीं आए हो और ऊपर से भरे बाजार मारपीट कर रहे हो, बदतमीज। कहाँ ये नालायक? उमेश तो यहाँ आया ही नहीं, अब बेकार में क्यों हमेशा इस तरह से? अरे घर का बड़ा बेटा है वो, हा? और लक्षण देख रही हूँ उसके। अब आप इसमें कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? बचपन में इसी अलमारी में आके छुपा करता था ना वो। हे भगवान, बड़ा हो गया है वो। हाँ लेकिन अकल अभी भी घुटने में ही है उसके। मैं जब उसकी उम्र में था ना दो दो बच्चे पैदा कर चुका था। दो दो बच्चे? लेकिन आप तो दुकान पे ही थे ना, अस्पताल तो मुझे रूपन लेकर गई थी। अब तुम भी जबान लड़ा लो मेरे साथ। वैसे महाशय है कहाँ? क्या है रुक्मावती? वो हलवा लेने आई थी। बहन की शादी सर पे खड़ी है लेकिन अपनी जिम्मेदारी का रत्ती भर भी एहसास नहीं है इन्हें। पता नहीं आजकल के लड़कों को छोड़िए ना ये सब, जब देखे तब उसके पीछे पड़े रहते। क्यों ना पड़ा रहा हूं उसके पीछे, हरकतें देख रही हो तुम उसकी? बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। अच्छा पहले वो बात बताइए, कहाँ है तेरा भाई? पापा वो सुमित। शर्म नहीं आती ना तुझे? थोड़े दिनों में तेरी शादी है, शादी के बाद बात नहीं कर सकती उससे तुम? अरे पापा सुमित की मम्मी का फोन है। सुमित की मम्मी का फोन है? हाँ। अरे तो बताना चाहिए ना तुझे, पता नहीं क्या सोचेंगी कि समधी जी इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बात कर रहे। करो करो बात, करो जाओ जाओ। कुछ नहीं सोचेंगी, वो सुमित का ही फोन होगा, आपको ऐसी बोल के चली गई है वो। क्या हलवा? विमला यार ये हलवा कमाल है, सच में बोल रहा हूँ, ऐसा हलवा बाजार में भी नहीं मिलेगा। एक काम करो बाबूजी को ये दे के आओ हलवा, सबकी जिंदगी बदल के रख देगा, सुधार के रख देगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ ये हलवा जो है ना बिगाड़ रहा तू अपनी जिंदगी को। डॉली की शादी में तुझे भी डोली बिठा के विदा कर दूं? क्या बोल? क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, कहाँ जा रहा? देखो फिर अंदर चला गया, ये अपने हलवे की तारीफ सुनने के लिए बाहर आया था, गधे का बच्चा। पापा वन, उमेश भैया जीरो। पूरा दिन घर में मैं अकेली काम करती रहती हूँ, तुम दोनों हंस क्यों रही हो? ले कीर्ति, आजकल बहुत कॉल्स आ रहे हैं। और वो लड़का कौन था जो तुम्हें परेशान कर रहा था आज? सवाल है ज्वाला, आप तूने हमेशा सोच समझ कर बोला कर, बड़ी बहन है वो तेरी। कीर्ति तुम्हें मालूम है ना, दादाजी को पता चलेगा तो क्या होगा? पापा आपको लगता है कि जयपुर में ऐसा कोई लड़का हो जो मेरे लायक हो? ऑल ऑफ देम आर सो ब्लैक। जयपुर हो या बांसवाड़ा, मुझे नहीं चाहिए कि तुम इन लड़कों के चक्कर में पड़ो। डॉली की शादी कितनी डल हो रही है ना। साहू जी कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हैं भाई साहब, को पैसे तो दिए थे मैंने। वो सही तो कह रही है, आप तो सिर्फ गल्ले पे नाम के लिए बैठते हो। अब एक बार सोच लीजिएगा, हमारी भी दो दो बेटियां हैं। चलो कीर्ति के लिए तो लड़के मिल भी जाएंगे, पर इसका क्या, इसे तो आगे और पढ़ना है, पीएचडी करनी है, लड़के ना डिग्री देखकर ही भाग जाएंगे। मॉम प्लीज ना। तू चिंता ना कर, तेरी और कीर्ति की शादी ना मैं बड़ी धूमधाम से करूंगी, दिल खोल कर खर्चा करेंगे। क्यों जी? कपड़े, जेवर, संगीत सब मैं सिलेक्ट करूंगी और शादी में बॉलीवुड थीम रखेंगे हम। कीर्ति की शादी में 10 रुपए का खाना होगा। हाँ। लोग संगीत वाले अलग। अच्छा डीजे पार्टी भी रखेंगे हम। बंदे से बुला लेंगे। हाँ। क्यों कीर्ति कहाँ गई? वो तो गई आप दोनों को उल्लू बना के। तुम इन लोगों को कुछ बोलोगी कि नहीं? हर रोज कुछ ना कुछ नाटक करके आते हैं और सबकी डांट खाते हैं, तुम भी कुछ बोलोगे?
चल बेटा जाके माँ को देख, तब तक मैं इसको डांटता हूँ। ओके। बदतमीज कहीं का नालायक, दिन भर मस्ती करता रहता, अपने बाप पर गया है क्या? ये खा बाबा। जोर की मत मारो, लगती है। अरे मैंने डांटने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं, और बस इसी के पीछे पड़े रहोगे, अपनी लाडली से कुछ नहीं कहोगे? सॉरी तो हाथ छोड़। सॉरी का मतलब क्या? क्या जरूरत थी उन लड़कों के साथ सड़क में लड़ने की, और फिर सॉरी बोलते हो? बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तो बोलता हूँ मुझे भी बुला लेते, मैं भी उन लोगों को दे देता। इन लड़कों को ना ऐसा ही करना चाहिए उनके साथ। हो गया नाटक। लक्ष्मी रूठ न जाना तुमसे कहूं जो, मैं इन आंखों में जो रहूं तो। तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम। याद करोगे मैं जो ना हूं तो। ला 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 ला। तुम लोग मेरी बातें नहीं सुनते हो। बोलो बोलो क्या बात है? आज ना मैं तुम्हारे लिए माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकती हूं। क्या बात है, एवरेस्ट चढ़ने की जरूरत नहीं है, डॉली की शादी के लिए टेंट चढ़ाना है। टेंट वालों को फोन लगाओ। 10 बार फोन कर दिया है, सब इंतजाम हो गया है, तुम बोलती हो तो एक बार कॉल करता हूं, ठीक है? और सुकेतु तू सुन, जब तक डॉली की शादी नहीं हो जाती इधर उधर घूमना बंद कर, उमेश भैया की मदद कर। तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा माँ। मैं भी तेरे लिए कुछ भी करूंगी माँ, जस्ट फॉर यू। हाँ अच्छा ठीक है, फिर डॉली की शादी के लिए तेरे लिए जो कपड़े लाई हूँ मैं, वो सब चुपचाप ट्राई कर और फिटिंग करवा ले। कुछ करने के लिए बोला था, पनिशमेंट देने के लिए नहीं। मैं लहंगे वहंगे नहीं पहन सकती यार। अरे मैं उन कपड़ों का क्या करूँ फिर? माँ को दे दो। इन पैसों पे नजर नहीं, ये मेरे पैसे हैं। सोच रहा हूँ डॉली की शादी में इनसे इम्पोर्टेंट ब्रांड खरीदूं। आप कभी नहीं सुधरोगे ना पापा। कितने दिन बचे हैं भाई? कहाँ है मेरा हलवा? खत्म हो गया। तू कहाँ था अब तक? क्या हलवा खत्म हो गया? ये कोई मुझे प्यार नहीं करता, आप लोगों ने मेरे लिए हलवा भी नहीं बचाया। बेटा मत रो मत रो। पापा आपने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार लेके दो पापा, प्लीज पापा लेके दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा पैसे ना पेड़ में नहीं उगते, जब भी तू रोएगा मैं तुझे खरीद के दे दूंगा, समझा? लेकिन ये पैसे तो है ना पापा। इन पैसों पे नजर नहीं, मेरी जान ले ले, लेकिन ये पैसे नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? रोना धोना क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? मम्मी देखो ना, पापा ने मेरे लिए हलवा भी नहीं बचाया। हलवा तो उस रूम में है, तू कहाँ था? मैं तो नीचे स्केटिंग कर रहा था। चल हलवा तुझे मैं खिलाती हूँ। वैसे भी पापा को अपने अलावा किसी की फिक्र कहाँ है। इसे क्या हो गया? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं। अब इसे भी कुछ हो गया? पहले 2 घरों में तो हलवा काफी गर्म था, लेकिन आखिरी वाले घर में ठंडा हो गया। अच्छा लगता है मणि कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हो दादी? अरे गंगवाल बहुओं के ग्रुप पे मैसेज डाल रही हूँ। लेकिन इससे क्या होगा? धमाका। माजी माजी गिर गई। सुनो क्या हुआ? मैं आती हूँ। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी गिर गई, उठ नहीं पा रही है, मैसेज आया, जल्दी चलो चलो। अरे घास मत। अम्मा अम्मा माजी अम्मा क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? अरे दे 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 आराम से। माजी क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे भली तेरी, मने क्या हुआ, ठीक ठाक हूँ। पर माजी तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने क्या हुआ है? अरे घर में शादी है और सब के सब दरवाजा बंद करके खाना खा रहे हो,
अरे 23 साल बाद घर में इतना बड़ा दिन आया है और तेरे लोग कदे देखा है शादी के घर में इतना सन्नाटा। ठीक है बाजी, कल से हम लोग एक साथ खाना खाएंगे और गाना बजाना भी होगा। हाँ, सच में माँ जी, सारे काम में ना मुझे तो ये ख्याल ही नहीं आया। अब तो आ गया ना भाभी। मैं बोलता हूँ कल से क्यों अभी से शुरू कर दे। ये हुई ना बात, 2 मिनट में आया। अरे जब हमारी शादी हुई थी ना तो ये हुआ था। तू घंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन धुमकता। इसे कहते हैं ना दादी की पावर। यार नाश मार दो मेरी नींद का, मना किया था रज्जगा कराने के लिए, कौन करा रहा है ये सब यार। रमेश, अरे यार ओ गरीबों के शब्बीर कुमार, क्यों जोर लगा रहा, चुप हो जाना। रमेश, 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 टाइम वाइम का कुछ होश है कि नहीं तुम्हें? और ये शोर शराबा करने के लिए किसने कहा? जो काम करने को कहा था वो तो होता नहीं, बस मौज मस्ती में साहब सबसे आगे। भैया मैंने टेंट वाले से बात कर ली है, सब अरेंजमेंट्स हो गए, आप टेंशन मत लीजिए। और अगर डॉली आपकी बेटी है तो मेरी भी कुछ लगती है ना। बातों से मुझे मत बहला, वैसे भी बाबूजी तुम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है, और ऊपर से ये शोर शराबा। इधर दे मुझे, बंद करो ये सब। रे बिरिंदर रुक, रमेश ने जो कुछ किया है वो मारे कहने पर किया। अरे 23 साल के बाद आज इतना बड़ा मौका आया है कि सबके सब एक साथ हंस बोल सके, और तू है कि। पर बाबूजी। बाबूजी को मैं देख लूंगी, उन्हें मैं मना लूंगी, तू फिक्र मत कर, जा छोटे के गले लग। मैंने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया, आप करेंगे। नो वे हाँ दादी, मैं दादा को मनाने नहीं जाने वाली। भाई सीधी सी बात है, जिसने नाराज किया मनाना तो उसी को पड़ेगा। जो 45,000 रुपए लेकर आए हो वो उनके हाथ पे धर दो इज्जत से। लेकिन दादी मैं। देख बेटा, इंसान गुस्सा उसी पर करता है जिससे प्यार करता है, समझी? अच्छा दादा, एक बात कहें तो तुम सबके सब उनकी बात ऐसे मानते हो जैसे उनके पिट्ठू, और दादी कहे तो ना।
अच्छा ठीक है, जाती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।